खरबूजा है जिसको चाइनीज में हामी कुआ बोलते हैं, इस तरह की सारी चीजें कुआ कहलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात का दिन है और 15 रोजे हो गए हैं चाइना में। सहरी का टाइम हो रहा है, अभी हम लोग उठे हैं सहरी करने के लिए। आज की सहरी में है नान और जौ के आटे की रोटी, उसके अलावा कुकम्बर है, काले चने हैं और पाए का जो शोरबा है वो है, सेवइयाँ और डेट्स। आज के लिए मैं कपड़े निकालने लगी हूँ। आज मैं पहनूंगी ये पाकिस्तानी येलो ड्रेस। आज मैंने पाकिस्तानी ड्रेस पहना है जो कि मेरी फ्रेंड अक्सा ने मुझे गिफ्ट किया था। येलो कलर की शर्ट है, इसके साथ ब्लैक ट्राउजर है। अक्सा थैंक यू सो मच। 12 बज रहे हैं और अभी मैं नीचे आई हुई हूँ। आज अच्छी सी धूप निकली हुई है, 2 दिन से यहाँ बारिश थी और आज रात को सहरी में ही बहुत बारिश हो रही थी जिसकी वजह से ठंड भी थी। ठंड तो अभी भी है, हवा चल रही है, लेकिन धूप की वजह से काफ़ी सुकून मिल रहा है। आज सहरी के बाद मैं सोई भी नहीं, जिक्र असकार के बाद अपना व्लॉग एडिट किया, फिर चेंज वगैरह करके मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई। अब मैं उमेर का वेट कर रही हूँ, उमेर नीचे आएगा तो हम दोनों मार्केट जाएंगे। हमारे फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, वेजीज ख़त्म हो गई है, वो लेंगे। और आपने मेरे ब्लॉग में मेरे साथ कनेक्ट रहना है, मैं आज आपको चाइना में जो फ्रूट्स की और वेजीज की प्राइसेस है वो भी बताऊंगी। जैकेट पहन लिए, इसने धूप तो है लेकिन ठंड भी है। मैंने भी ग्लव्स पहन लिए क्योंकि मुझे हाथों पर बहुत ठंड लगती है। उमेर बाइक निकाल रहा है, जब हम दूर जाते हैं तो हम ये वाली बाइक यूज़ करते हैं, पेट्रोल वाली। उमेर ने ये पहना हेलमेट, सामने बंदर, लेकिन सिग्नल टाइमिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। बोले स्टार्ट हो गया। मार्केट आ गए मैं और उमेर और अब हम अपनी शॉपिंग स्टार्ट करने लगे हैं।香丝还没吃完，没吃完你就跑我们市场来。哎，因为这个月是对什么？生姜。生姜这么细细的。ये किसी अजीब अदरक है, लंबी लंबी। और ये देखो ये वो कितने बड़े बड़े तुंगवा। ये इसको कहते हैं ईस्ट मेलन। कहाँ चलना है? बस फ्रूट लेके आगे ग्राउंड मारते हैं पूरा गोल। चलो तुम आगे। ये होलसेल मार्केट है इसलिए यहाँ पे थोड़ा गांव जैसा माहौल है। चाइना में ये फैसिलिटी है कि
शहर से 20-25 किलोमीटर ना सर। छुट्टियों का मसला नहीं है ये, अब तक बिजनेस ओवर हो जाता है, होलसेल मार्केट जल्दी बंद हो जाती है। चलो अब फ्रूट लेना शुरू करते हैं, यहाँ पे भी जमीन पे लगा के बेचते हैं। ये क्या है? ये वो है पम्पकिन है, लेकिन अजीब डिजाइन का है। हाँ इसका एक एक दाना बना, वही पता नहीं कैसे। चलो आओ ये ले खरबूजे, ले खरबूजे को हम ही को आप बोलते हैं। अब उमर खरबूजा ले रहा है, ये उमर चेक कर करके लेता है, ये इसको चखा रही है। यहाँ पर भी पाकिस्तान की तरह खरबूजा तरबूजा काट के चखाते हैं, इसने कहा हम नहीं खा सकते अभी दिन में। थप्पू छिरपू नंग छिर पाकिस्तान रन पाकिस्तान खाई चाइनीज की तस्वीर खींचते। उमर कलर देखता है, उसको मार के चेक करता है, सूंघ के चेक करता है, फिर एक फ्रूट सिलेक्ट करता है पूरे प्रोफेशनल तरीके से। तो शाचिन तीन खरबूजे ले लिए हमने, क्योंकि अब रमजान के 15 दिन हो गए, 15 दिन बचे हैं तो हम इकट्ठा ही फ्रूट ले जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है इतनी दूर आना, फ्रिज में पड़ा रहता है। उठा के लाया है, कह रहा है ये चौसा लग रहा है, खुशबू भी चौसे की तरह है, ले लो। ये उसकी भी कॉपी होगी, ये सा चाइना में मिलता नहीं इतनी खुशबू वाला, ना खुशबू होती है ना मीठा होता है चाइना का आम। पाकिस्तान का खुशबू आ रही है, देखते हैं आज। अब आम ले रहा है उमर, ये पीछे से इस तरह का एनवायरनमेंट लग रहा है ना, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है और ये थोड़ा सा शहर से दूर एरिया है, तो इसलिए इस तरह की मार्केट है ये। कच्चे मतलब इस तरह का रोड है ये, छंगतू में अगर नियरेस्ट जाओ तो इस तरह का नहीं होता माहौल। रेडी के पूरे चारों तरफ घूम फिर के हमें आराम सिलेक्ट कर रहा है, पूरी रेडी पे से सूंघ सूंघ के। चाइनीज है मेरे साथ पिक्चर खिंचवाने आई है, चाइनीजों की आदत होती है कि कॉर्नर देखते हैं तो पिक्चर खिंचाते हैं। बहुत यहाँ पे आते हम लोग इसलिए कि ये प्याज ना बिल्कुल ताजे हैं, वहाँ पे जो करीब से लेती हूँ इतने ताजे नहीं है। स्टॉप भी है या शहतूत, इस तरह के फ्रूट ना बॉक्स के अंदर ही डाल के देते हैं और बॉक्स को ही थैली के साथ पैक कर देते हैं। अब एप्पल ले रहा है उमर, सेब ले रहा है उमर, सेब हम दो तरह के लेते हैं, एक छोटे और एक बड़े ये वाले। कैसे चमक रहा है, छोटे से जूस के लिए और दूसरे खाने के लिए। अब नाशपाती ले रहे, ये टोकरी दे देता है सब्जियां रखने के लिए, फ्रूट्स रखने के लिए, ज्यादा फ्रूट लेते हैं ना। ये ओरिजिनल है,
ऐसा बेढंगा सा है, खूबसूरत कलर नहीं है, लेकिन ये सेहत के लिए सही है उसके मुकाबले। ये पाकिस्तान जैसी गली बनी हुई है और वैसी शॉप्स है, लाइट हाउस पे होती है इस तरह की दुकानें। चलो खैर, सब्जियां ले लिया, उमर थैलियां उठा के जा रहा है, बाइक लाएगा, हम जाएंगे घर। पाकिस्तान कह रहा है पाकिस्तान हाउ पंगियो, कहते हैं कि पाकिस्तान जो है चाइना का बहुत अच्छा दोस्त है। बाइक अंदर ले आया उमर मार्केट में, सामान लेने के बाद पार्किंग से बाइक यहाँ ले आता है, फिर ताकि सारी चीजें इस पर रख के हम घर चले जाएं। अब ये शॉप वाला जो है भागता हुआ आया, इसने जो पूरी बास्केट प्रिपेयर की है फ्रूट्स की जो हमने लिए, लेके आ रहा है बास्केट, इसको बाइक पे रख देगा। शेशे कलरफुल कैबेज है, पता नहीं असली है या नकली है, पर्पल रंग की नकली चीजें बनाते हैं। जो है काट के देते हैं पाकिस्तान की तरह, जिस तरह पाकिस्तान में काट के देते हैं, ये एक मैंने पीस लिया है कि बहुत बड़ा होता है ना, इतना खत्म नहीं होता। सारी चीजें जो है वो मैं बाइक पे एडजस्ट करने लगा है। साइड के बॉक्स में सारा सामान आ गया, बाकी सामान अंदर आएगा सीट में, बाकी सामान सीट में एडजस्ट कर रहा है। बहुत मेहनत के साथ जो है उमर एक एक चीज़ पूरी एडजस्ट करता है, क्योंकि यहाँ से दूर भी है रास्ता, आधा घंटा लगता है हमें वापस जाने में। निकाल के यहाँ रख दिया, अब इसको एडजस्ट करके ऊपर लेके जाएगा। बाइक का इतना फायदा है, पूरे एक कार जितना सामान आता है। हाँ, गाड़ी जितना, हम 15 दिन का 2 हफ्ते का ले आते हैं, पहले रमजान के स्टार्ट में 2 हफ्ते का लाए थे, अब 15 रोजे हो गए, तो आज 2 हफ्ते का ले आए। फायदा बहुत है बाइक का, घूमने फिरने के लिए, खरीदारी के लिए। सामान को बैग में एडजस्ट कर रहा है, फिर ऊपर लिए इसका शॉपिंग का बैग है, जब हम दूर जाते हैं ट्रिप पे, मोटरसाइकिल बाइक का बैग है, तो इसमें हम अपना रेनकोट रखते हैं, और जब मार्केट जाते हैं तो फिर इसमें सब्जियां और चीजें भरते हैं, और ये इतना बड़ा है, इसमें काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। डिजाइन ऐसा है, हेलमेट रखने के लिए भी होता है, तो हेलमेट भी आ जाते हैं। खरीदारी करके आ गई हूँ मैं, और मैंने काफी सारी सब्जियां और फ्रूट्स खरीदे हैं। अब मैं आपको उनकी प्राइसेस बताऊंगी, फिर आपने खुद उनको पाकिस्तान की प्राइसेस से कंपेयर करना है, ताकि आइडिया हो कि रमजान में चाइना में ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें होती हैं या पाकिस्तान में। अब आप लोग बोलेंगे चाइना तो नॉन मुस्लिम कंट्री है, यहाँ प्राइसेस का वो नहीं है, वैसे इसकी जो स्टेट है हुकूमत नॉन मुस्लिम है, लेकिन यहाँ मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में है, और वो अपने सारे ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टमाटर से स्टार्ट करते हैं। जो जो ये टमाटर लाई हूँ मैं, और ये सारी प्राइसेस जो मैं बता रही हूँ ये मैं होलसेल मार्केट की बता रही हूँ। अगर यहाँ रिटेल में लेना नियर से करीब से, तो रिटेल की प्राइसेस ये नहीं होती, इसमें अगर दो दो तीन तीन आरएम भी मजीद ऐड कर दें तो रिटेल की प्राइसेस बन जाएगी। पहले मैं भी यहाँ करीब से लेती थी, फिर मेरी एक अफ्रीकन फ्रेंड ने मुझे होलसेल मार्केट का बताया, और बताया इतना रेट डिफरेंस है, और हमारे पास बाइक भी है, तो अब हम वहाँ जाने लग गए। ये टमाटर जो मैंने होलसेल से लिए हैं 5 RMB के हाफ के जी, यानी 10 RMB के 1 किलो लिए हैं। चाइना में हाफ के जी का हिसाब होता है ना, 10 RMB के 1 किलो, और इस वक्त जो RMB चल रहा है वो 42 का चल रहा है। तो टमाटर अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 1 किलो चाइना में अगर खरीदें तो 420 रुपए के पड़ते हैं।
अब ये तरबूज है, तरबूज का मैंने एक पीस लिया है, पूरा तरबूज नहीं लिया। और ये तरबूज अगर एक किलो के हिसाब से देखें तो चाइना में जो आजकल चल रहा है रेट, आजकल इसका सीजन नहीं है तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये चल रहा है 12 RMB पर केजी चल रहा है, और अगर हम इसको पाकिस्तान में 12 RMB को कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट करें तो 504 रुपये का एक किलो पड़ेगा। तो देख ले कितना डिफरेंस है। चाइना में तो नॉर्मल प्राइस है, लेकिन अगर इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है। लौकी जो है ये पर केजी जो चाइना में चली है वो 10 RMB पर केजी चल रही है, और अगर इसको आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीस में तो ये बनते हैं 420 रुपये पर केजी। और ये लहसुन जो मैंने लिया है पर केजी 12 RMB पर केजी लिया है। मैं आप लोगों को केजी का हिसाब बता रही हूँ, या हाफ केजी का हिसाब चलता है, लेकिन हाफ केजी बताऊँगी तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो इसलिए मैं केजी के हिसाब से ही बता रही हूँ। 12 RMB का एक किलो लहसुन है यहाँ चाइना में, और अगर इसको हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं तो ये 504 रुपये बनते हैं। ये जो है जिंजर अदरक मैंने लिया, और अदरक का जो चाइना में रेट है वो 16 RMB पर केजी चलता है, केजी के हिसाब से मिलती है। और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखें कितने रुपये की बन रही है तो ये बनेगी 672 की एक किलो बनेगी। काफ़ी महंगी लग रही है ना, लेकिन चाइना में ये बहुत ज़्यादा सस्ती है मतलब, और ये रेट भी मैं होलसेल के ही बता रही हूँ तो एक नॉर्मल प्राइस है। अब ये पालक है, और पालक जो मिलती है ये 4 RMB की पर केजी मिलती है, ये की एक्सपेंसिव सब्जी नहीं है, नॉर्मल रेट में मिलती है। तो इसको अगर हम पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो ये पाकिस्तानी 168 पर केजी पड़ेगी। ब्रोकली जो मैंने लिए आज लिए ये 10 RMB पर केजी के हिसाब से मुझे मिली है, और अगर इसको पाकिस्तानी में हम कन्वर्ट करते हैं ना तो ब्रोकली 420 रुपये पर किलो पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ब्रोकली का क्या रेट चल रहा है, अब इजीली मिलती है कि नहीं। जब हम छोटे थे तब तो ब्रोकली इतनी ज़्यादा कॉमन भी नहीं थी और एक्सपेंसिव भी थी। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताएं आजकल ब्रोकली पाकिस्तान में कॉमन है या नहीं और क्या रेट चल रहा है। खरबूजा है जिसको चाइनीज में हामी क्वा बोलते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें क्वा कहलाती हैं। ये जो मैंने लिया है 8 RMB पर केजी के हिसाब से मिला है, लेकिन ये होलसेल का है 8 RMB, अगर रिटेल में जाए ना तो ये 16 RMB पर केजी मिलता है। और अगर इसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो ये 336 रुपये बनते हैं पर केजी के, यानी 336 बनते हैं पर केजी। अब ये जो बैंगन है ये मैंने लिया है 6 RMB पर केजी के हिसाब से, और अगर इसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें ना, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तानी आप यहाँ घूमने आना चाह रहे हैं और यहाँ से सब्जी लेंगे तो पाकिस्तानी रुपीज़ में ही आपको पड़ेगा 252 रुपये पर केजी। ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये पाकिस्तान में तो नहीं होता, अब मुझे नहीं पता अब आ गया है पाकिस्तान में या नहीं, क्योंकि मैं तो 4 साल से पाकिस्तान गई नहीं हूँ, तो अब मुझे नहीं पता वहाँ क्या क्या तब्दीली आई है, कौन कौन से फ्रूट चेंज हुए हैं। ये आजकल ये महंगा हुआ हुआ है, जब इसका सीज़न होता है तो उस वक्त इसका रेट कम होता है, तो 16 RMB के हिसाब से मैंने लिया है पर केजी। अगर इसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो 672 पर केजी बनता है। अभी जो है होलसेल में मुझे मिला है 8 RMB पर केजी के हिसाब से मिला है, और अगर आप देखना चाहते हैं पाकिस्तानी रुपीस में कितने का बनेगा तो ये पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 336 रुपये पर केजी बनेगा। अब ये बंद गोभी है, कैबिज है, और ये जो मैंने लिया ये 4 RMB पर केजी के हिसाब से मुझे मिली, और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 168 रुपये की पर केजी कैबिज चल रही है आजकल। आम है, आम की मुख्तलिफ कैटेगरी आती है यहाँ पर। ये छोटे वाले आम थोड़े मज़े के होते हैं, बड़े के मुकाबले में ज़्यादा मीठे होते हैं, बड़े वाले अक्सर खट्टे निकलते हैं अच्छे नहीं होते, तो मैंने छोटे वाले खरीदे और ये मुझे होलसेल से मिले हैं 8 RMB पर केजी के हिसाब से मिले। और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में आप देखना चाहते हैं कि छोटे आमों का क्या रेट चल रहा है चाइना में, तो ये 336 रुपये पर किलो पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से पड़ेंगे। धनिया जो है ना, धनिया पाकिस्तान में जिस तरह पर गड्डी बनी हुई होती है ना, तो चाइना में इस तरह नहीं मिलता है, यहाँ केजी का हिसाब चलता है, पर केजी के हिसाब से चलता है। और धनिया थोड़ी सी एक्सपेंसिव सब्जी है, अगर इसको हम RMB में देखें तो ये बनता है 30 RMB पर केजी, लेकिन कोई भी 1 KG नहीं लेता है, थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं, तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, 7-8 इस तरह से पड़ जाता है RMB का। तो अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें ना तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव सब्जी बन जाएगी, ये बन जाएगी 1260 रुपीज़ में, 1260 रुपये की पर किलो धनिया बनेगा। ये प्याज है, रेड वाली ऑनियन है, और ये चाइना में कोई महंगी सब्जी नहीं है, ये बहुत चीपी सब्जी है, और इसको अगर देखें ना तो ये 3 RMB पर केजी के हिसाब से मिल जाता है प्याज। और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 126 रुपये पर किलो। लास्ट टाइम मैंने जब एक दो महीने पहले अपनी अम्मी से पूछा था तो उसको मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 60 रुपीस का चल रहा था, तो इस हिसाब से ये प्राइस डबल हो रही है, डबल से भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है।
तो अब आप लोगों को करंट प्राइसेस पता है तो कंपेयर करें और मुझे भी कमेंट करके बताएं कितना डिफरेंस है चाइना और पाकिस्तान की प्राइस में। आलू पाकिस्तान में सबकी फेवरेट सब्जी और बहुत ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी है। चाइनीज भी खाते हैं लेकिन हमारी तरह इतना ज्यादा नहीं खाते, कम खाते हैं। और ये भी नॉर्मल रेट में आती है, कोई इतनी एक्सपेंसिव सब्जी नहीं है चाइना में। अगर इसको आरएमबी में आप देखना चाहते हैं तो ये 6 RMB पर केजी के हिसाब से मिलता है, और अगर उसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो आलू 252 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतना महंगा आलू तो नहीं होगा, उससे डबल ट्रिपल ही होगी प्राइस इसकी। अब ये जो है ये हरा लहसुन है, हरा लहसुन भी इतना महंगा नहीं होता है, ये 2 RMB पर केजी के हिसाब से मिलता है। अगर इसको आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कर दें तो 84 रुपीज पर केजी, तो ये भी महंगा ही बन रहा है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से हरा लहसुन हरा प्याज इतना महंगा नहीं है, हरा प्याज है सेम रेट है 84 पर केजी रुपीज में, और अगर आरएमबी में देखें तो ये 2 RMB पर केजी पड़ता है। ये नाशपाती है, नाशपाती जो मुझे होलसेल से मिली है ये 10 RMB पर केजी के हिसाब से मिली है, और अगर मैं इसको अपनी नियरी सुपर मार्केट से लेती तो यहाँ पे 16 RMB अभी रिटेल में इसका रेट चल रहा है, लेकिन आज मैं होलसेल के रेट बता रही हूँ। तो इसको अगर पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो नाशपाती तकरीबन बनेगी 420 रुपये पर केजी। तो नाशपाती भी इतनी महंगी तो नहीं होगी, पाकिस्तान में तो कोई फ्रूट भी इतना नहीं है क्योंकि 400 या 500 रुपये का 1 किलो मिल रहा होगा अभी, तो मुझे नहीं पता है, मैं काफी साल से पाकिस्तान नहीं गई हूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। सेब लिए हैं, वो मैंने 3 कैटेगरी के लिए हैं क्योंकि मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ, जूस बनाती हूँ वैसे खाती हूँ, तो 3 तरह के सेब लिए और इन तीनों के अलग अलग रेट है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े साइज का एप्पल है इसे स्टार्ट करते हैं, ये जो मैंने लिया है होलसेल में मुझे पड़ा है 7 RMB हाफ केजी, और अगर इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 14 RMB पर किलो के हिसाब से पड़ा है। अगर 14 RMB को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनते हैं 588 रुपये 1 किलो। तो ये बड़ा सेब जो चाइना में अभी चल रहा है 14 RMB पर केजी, पाकिस्तानी के हिसाब से 588 पर किलो, 588 पर केजी। फिर ये वाला सेब है, उससे मैंने पूछा था तो उसने कहा था दोनों सेब जो है इनकी करेक्टरिस्टिक सेम है, जायका सेम है, सिर्फ साइज का फर्क है, साइज के फर्क की वजह से रेट का फर्क है। तो ये छोटा वाला 10 RMB पर केजी के हिसाब से मुझे मिला है, और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये 420 रुपये 1 किलो बन रहा है। और फिर ये वाला जो सेब है ये मैंने जूस के लिए लिया है, ये मतलब इनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम अच्छी है, और ये देखें ये रेड कलर के हैं, ये थोड़ा येलो येलो सा है, इसका कलर भी इतना ब्राइट नहीं है। यहाँ पे भी इस तरह से होता है जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना सेल लग जाती है, तो इस तरह की जो चीपेस्ट आइटम होते हैं उसकी सेल लगी होती है। तो यहाँ पे ये उसने लगाया हुआ था कि 10 RMB का 1.5 किलो, 10 RMB 1.5 किलो के हिसाब से मैंने लिया है, और इसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनते हैं 279 रुपये पर केजी के हिसाब से। दिखा रही हूँ ये इंजीर है, पाकिस्तानी इंजीर तो फ्रेश भी नहीं होती है, ये चाइना की इस तरह से होती है, देखें ये इसको इस तरह राउंड राउंड ही ड्राई कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्रूट है चाइना में। अब इंजीर के मैं रेट बता देती हूँ, अगर इंजीर को पर केजी RMB में देखें तो ये 90 RMB पर केजी बनता है, और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में मैं कन्वर्ट करूं तो ये बनते हैं 3580 रुपये पर केजी। तो आप खुद देख लें पाकिस्तान में इंजीर का क्या रेट है, और अगर चाइना से आपको इंजीर खरीद के खानी है तो कितनी पड़ेगी। शहतूत चाइना में 20 RMB पर केजी मिलता है, और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं तकरीबन 840। अकेला दर्जन के हिसाब से नहीं मिलता पाकिस्तान की तरह, बल्कि केजी के हिसाब से मिलता है, वजन के हिसाब से मिलता है। तो केला जो 1 किलो चाइना में मिलता है वो 12 RMB का, और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज में आप देखना चाहते हैं तो ये 504 रुपये। मैंने आप लोगों को अपनी जितनी भी शॉपिंग थी उन सबके रेट मैंने आपके साथ शेयर की है, और उनको पाकिस्तानी में कन्वर्ट भी करके बताया। तो आप लोग बताएं कि आपको ये रेट सुन के कोई शॉक तो नहीं लगा, किस तरह का लगा? अगर मैं चाइना के हिसाब से बात करूं तो ये सारी चीज़ों के रेट जो है बिल्कुल रीजनेबल है, जो यहाँ एक एवरेज सैलरी चलती है, जो यानी मोस्ट लो पे जो चाइना में एक इंसान अर्न करता है ना वो 2500 RMB करता है, 2500 RMB। तो 2500 RMB के हिसाब से वो तमाम चीज़ें अफोर्ड कर लेता है, बिल्कुल एक नॉर्मल रेट है। और मैंने तो फिर होलसेल से शॉपिंग की थी तो थोड़ा सा और सस्ता पड़ गया। तो आप लोग बताएं आपको जो है कौन सी चीज़ की प्राइस ज़्यादा लगी और कौन सी चीज़ की प्राइस नॉर्मल लगी। अगर आपको मेरी ये जो मैंने प्राइसेस आप लोगों के साथ शेयर की है, और मैंने ग्रोसरी की प्राइसेस शेयर की है यानी जो भी हम वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं और जो फ्रूट्स यूज़ करते हैं उनके रेट शेयर किए हैं, अगर आपका कोई भी दोस्त चाइना आना चाहता है स्टडी के लिए या बिजनेस के लिए या वैसे ही घूमने फिरने, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ भी शेयर करें। ऐसे ही है कि उसको चाइना में सर्वाइव करने में, अपना बजट बनाने में आसानी होगी, और उसको एक आइडिया हो जाएगा, माइंडसेट बन जाएगा कि चाइना में स्टार्ट में उसको कितनी अमाउंट साथ लानी है
और क्या क्या एक्सपेंसिव होंगे ये रेट मैंने बताया, ये हम घर में जब खाना बनाते हैं ना उसके चार्जेस हैं ये, और अगर आप बाहर खाना खाते हैं तो बाहर इसका आप 3 गुना लगा लें, यानी इसका ट्रिपल। एक टाइम का खाना बाहर आजकल जो चल रहा है, एक नॉर्मल फूड जो चल रहा है वो 14 से 16 IMB का एक टाइम का खाना पड़ता है, और अगर किसी की मतलब जो ज़्यादा खाता है तो उसको फिर उसमें उसका एक मतलब जो मिलता है नूडल्स का बॉल या राइस का, उसका उसमें पेट भी फुल नहीं होगा। एक नॉर्मल जिस तरह मेरी डाइट है उसके लिए इनफ होता है वो। इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें। 5 बजने वाले हैं, मार्केट से मैं आई, फिर मैंने सामान वगैरह जो है उसको सेट तो नहीं किया, रूम में रखा है, थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की है उनके रेट की, और अब मेरी आज पार्लर की अपॉइंटमेंट है तो अब मैं पार्लर जा रही हूँ। आज मेरे फीट मसाज का दिन है, क्योंकि मेरा जो पैकेज है उसमें मैं वीकली अपॉइंटमेंट लेती हूँ, वीकली जो भी ट्रीटमेंट है वो लेती हूँ। यहाँ पर अक्सर चाइनीज़ भी वीकली लेते हैं और ये रिकमेंड भी यही करते हैं कि वीकली लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो फीट मसाज है मैंने बताया था अपने लास्ट व्लॉग में भी कि घुटनों तक करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भी उससे रिलैक्स मिलता है, तो उसको तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो वीक में एक दफ़ा लाजमी ले लूँ, स्किप ना करूँ। बस फिर पार्लर में मिलते हैं। पार्लर पहुँच गई हूँ मैं। ये पार्लर में एक मिरर रखा हुआ है बड़ा सा। आज मैं अकेली आई हूँ, उमेर के साथ नहीं आई, तो फिर यहाँ पे जो अकेले मसाज वाला रूम है इसमें से इन्होंने मुझे बिठाया है। बाज़ रूम में 2 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बाज़ में 1 का। और ये देखे 5 बजने वाले हैं, फीट मसाज का रूम है, पैर बने हुए। ये पानी आ गया है, मसाज से पहले पानी देते हैं जिसमें पैरों को डिप करना होता है। ये इसमें चाइनीज़ हर्बल जड़ी बूटी डाली भी होती है, साओ याओ आई साओ बोलते हैं इसको। फीट मसाज हो गया और 6 बज गए, अब मैं सुपरमार्केट से कुछ चीज़ें लूँगी, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। और अगर आप लोगों ने देखना है कि चाइना में किस तरह से फीट मसाज होता है, उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, तो उसके लिए आप मेरे रमज़ान Day 4 के व्लॉग में जाएं, और वहाँ जाके आप उसका कंप्लीट स्टेप देख सकते हैं, कम्प्लीट प्रोसेस देख सकते हैं। सैंडविच बनने की तैयारी हो रही है, और यहाँ पर उमर इंतहाई खूबसूरती के साथ सैंडविच डेकोरेट कर रहा है। ये उमेर आर्टिस्ट है ना, इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी पहले जब छोटा था, तो ये अभी भी हर काम इस तरह से करता है, इतना लंबा है ये। ये एक और मिक्की माउस, अब मिक्की माउस बना रहा है। यहाँ पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ सैंडविच के लिए कबाब फ्राई हो रहे हैं। उमेर का मिक्की माउस देखते हैं बन गया है, तो दिखाओ तुम्हारा कैसा बना मिक्की माउस। महारत के साथ अंडा फ्राई कर रहा है माशाल्लाह। ये बन गया है, अब उमर इनकी कटिंग कर रहा है। टेस्ट करने आज पकोड़ा कैसा है, पहले पकोड़ा टेस्ट करो रायते से। आज पकोड़ा बहुत मजे का, आज मैंने कम आग पे बनाया है क्रिस्पी करके। अब उमेर सैंडविच टेस्ट करेगा। ये मेरा है बगैर केचप वाला, तुम्हारे बीच वाले हैं, ये दोनों मेरे हैं बगैर केचप के। मैंने अपने में केचप नहीं लगाया तो इसलिए मैं उसको बता रही हूँ। कैसा है, रायते के साथ खाओ सैंडविच में, तो मैंने भी मेरी हेल्प की है जल्दी जल्दी। मजे का है। आज की इफ्तार में
मैंने बनाए हैं सैंडविच। काफी टाइम बाद बनाए क्योंकि आज मैं मार्केट गई थी, फिर पार्लर गई थी, तो खाना बनाने का टाइम ही नहीं था। कबाब बना के रखे हुए थे जल्दी से सैंडविच। और मैं आज तरबूज भी लाई हूँ। तरबूज इतना मजे का नहीं होता पाकिस्तान जैसा, बस नॉर्मल होता है। पकौड़े और साथ मैंने सैंडविच के दही का रायता बनाया है। और आजकल शहतूत का मौसम है, चाइना में सिर्फ ब्लैक वाले शहतूत मिलते हैं, तो ये मैंने लिए हैं। और ये बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, एक महीना। और ये हमारे सैंडविच और डेट्स हैं। मैं सैंडविच टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। बहुत मजे का बना और बहुत सिंपल सा बनाया। इसमें ज्यादा कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। और अपने वाले में तो बस खाली मैंने कुछ वेजीज रखी है और कबाब रखा है। मेरे वाले में केचप मेयोनीज लगाया है। आप लोग सुना है आपके रमजान कैसे जा रहे हैं। रमजान का मिट आ गया, आज 15 रोजे हो गए, पता ही नहीं चला। आगे ताकरातें भी शुरू होने वाली हैं, तो बस ताकरातों में बहुत ज्यादा दुआएं करें अपने लिए भी, मेरे लिए भी। मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करूंगी। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो उसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ईद के बाद इंशाल्लाह मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी चाइना के। अब मैं और मेरे इफ्तार करेंगे, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।